क्योंकि हमारे केसेस जो हैं ये रैपिडली बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा किस तादाद से बढ़ रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है और हमारी डेथ्स जो हैं लगातार हो रही हैं। जहाँ तक एक्टिव केसेस का सवाल है, इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर में 13,400 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। जो पिछले साल की पीक थी वो लगभग 22,000 एक्टिव केसेस की थी। रिकवरी रेट हमारा 89.6% है। मॉर्टेलिटी अगर देखेंगे, फैटलिटी, तो पिछले साल जो का अगर जोड़ कर देखें क्यूमुलेटिव बेसिस पर, तो फैटलिटी 1.38% थी, लेकिन अगर अप्रैल के महीने में हम देखें इस साल, तो 77 डेथ्स हो गई हैं अप्रैल में, और फैटलिटी जो है ये 0.4% है। पॉजिटिविटी जहाँ तक सवाल है, तो हमारी अप्रैल में पॉजिटिविटी 2.5%, जो पिछले साल की क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी से ज़्यादा, और कल के दिन की अगर पॉजिटिविटी देखें तो ये 5.2% है, और रेट ऑफ ग्रोथ जो केसेस का है ये 12.8% है, जो चिंताजनक। तो हमारा जो ग्राफ है ये स्टीपली राइज कर रहा है, इसलिए हमको इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत। जो स्ट्रेटजीज हम अभी फॉलो कर रहे हैं, 5 पिलर्ड स्ट्रेटजीज हैं COVID-19 को डील करने के लिए। सारा कुछ स्टार्ट होता है टेस्ट से। जितने ज़्यादा हम टेस्ट करें, उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस को हम आइसोलेट कर सकते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकते हैं। तो ये पहली स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी है कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस, ये इसमें आते हैं। उसके बारे में मैं समझाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। जो पॉजिटिव केसेस आ गए, इनको आइसोलेट करना, इनको ट्रीट करना, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल की क्या प्रिपेयरनेस है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। चौथी स्ट्रेटजी, जो सबसे ज़रूरी स्ट्रेटजी है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। किस तरीके से हम एक हमारा पब्लिक का रिस्पॉन्स इस कोविड को कैसा है, कैसे हम मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको फॉलो कर रहे हैं। और पांचवी स्ट्रेटजी है वैक्सीनेशन। वैक्सीन इस बार ये हमारे पास है, तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट, हम लगभग 40,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 टेस्ट RT-PCR के और 30,000 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट। जो टेस्टिंग एवरेज हमारा है 2,500 टेस्ट पर मिलियन पर डे। WHO रिकमेंड करता है कि 140 होना चाहिए, हमारा 2,500 के करीब। 68,33,000 टेस्ट अभी तक J&K में परफॉर्म किए जा चुके हैं, और अब RT-PCR टेस्ट करने की फैसिलिटी सभी मेडिकल कॉलेजेस में। हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, अनंतनाग, बारामूला, रजौरी, कठुआ और डोडा, वहाँ भी RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग में हमने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है कि जितने भी इनकमिंग पैसेंजर्स यहाँ आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं, बाई एयर, बाई रोड या बाई ट्रेन, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मैं आपको आंकड़ा देता हूँ कि अप्रैल के महीने में हमने 1,64,000 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया, और कंटेनमेंट जोन्स हमने कायम की हैं कोई 120, और इन कंटेनमेंट जोन्स में हमने 32,000 लोगों को टेस्ट किया अप्रैल के महीने में, जिसमें से 1,680 लोग पॉजिटिव मिले हमको कंटेनमेंट जोन में। शॉप्स के बारे में भी फैसले हुए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी फैसले हुए हैं। हमारे इस वक्त 12,600 केस जो हैं वो होम आइसोलेशन में, उनका घर में ही इलाज चल रहा है, और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको हम अस्पताल शिफ्ट करें जब उनकी वैसी हालत हो जाती है। हॉस्पिटल में हमारे पास 807 पेशेंट थे कल की तारीख में, कल के आंकड़े बता रहा हूँ, जिसमें से 48 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और 534 पेशेंट जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कुल वेंटिलेटर्स की तादाद जो यूनियन टेरिटरी में है, जो कोविड के लिए हमने मखसूस किए हैं, ऐसे तो वेंटिलेटर ज़्यादा है हमारे पास, वो 600 के करीब हमने कोविड के लिए इस टाइम ईयर मार्क करके रखे। बेड्स की बात अगर हम करें
कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के जो टोटल बेड्स हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल भी आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आते हैं, जो ईयरमार्क किए हैं हमने कोविड के लिए, वो 6,000 के करीब है, रफली 6,000 के करीब। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात अगर हम करें तो हमारे पास 2,500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और ऑक्यूपेंसी 534 है 20% के करीब। तो इनके 23 के लगने से लगभग हमारे 2,000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो हैं हमको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, 4 डोज के करीब एडमिनिस्टर किए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का जहाँ तक सवाल है, 74% उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन 77.5% हो चुका है और 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका 36.76% वैक्सीनेशन हो चुका है फर्स्ट डोज। अभी उनका फर्स्ट डोज जो है, सेकेंड डोज भी शुरू हो रहा है। और रिस्पॉन्स जो पब्लिक का आजकल देखने को मिलता है वैक्सीनेशन की ओर, वो काफ़ी अच्छा है। हमने कल भी कोई 60,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया था और वैक्सीनेशन अब 7 दिन बिना किसी छुट्टी के वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है कि 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के जितने भी एडल्ट्स हैं, जिनको एडल्ट्स कहेंगे इंडिया में, उनका वैक्सीनेशन होगा, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और हमारा टारगेट है कि अगले 1 महीने में इस सारी कैटेगरी को 100% हम वैक्सीनेट कर दें। आप लोगों के जरिए मेरी पब्लिक से ये अपील है कि, और हम सब ने बार बार ये बात कही है कि जो भी एलिजिबल हैं वो जल्द अज जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बिकॉज इसमें वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मिला के हम दोनों को इस बीमारी से निजात दिला। दो चीजें, एक तो जहां तक आपने इसकी बात की टेस्ट कैच आरटीपीसीआर को कैच कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये एक चैलेंज है, इसके बारे में अभी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे पास, मैं ये बताना चाहूँगा कि वेरिएंट्स की जब बात की आपने, कुल मिलाकर जो हमको कंफर्म्ड केसेस आ गए यूके वेरिएंट्स के या बाहर के वेरिएंट्स के, वो कुछ हमारे पास 28 केस आए हैं जम्मू में, और कश्मीर में कोई भी नहीं आया अभी तक। तो वेरिएंट्स अभी तक उतने एक सीरियस चैलेंज के रूप में हम उसको नहीं देख सकते। अभी तक हमारे आरटीपीसीआर टेस्ट जो हैं सभी लोगों को जो भी पॉजिटिव हैं उनको कैच कर पा रहे हैं।